हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू ब्लॉग बल्लमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज है संडे और संडे के दिन हम चले हैं घूमने के लिए। यूं ही दोस्तों हमारे घर में लाइट नहीं थी और ऊपर से हो रही थी गर्मी, लेकिन बाहर का मौसम लग रहा था सुहाना, लेकिन बारिश का मौसम भी बना हुआ था। लेकिन फिर खुशबू के पापा ने डिसाइड किया चलो घूमने के लिए चलते हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ बल्लमगढ़ की मार्केट सबसे ज़्यादा फेमस है, तो हमने सोचा वहाँ घूम भी लेंगे और कुछ शॉपिंग भी कर लेंगे। खुशबू अपने के पापा को बोल रही है पापा कपड़े कितने अच्छे हैं, पापा ये कितना अच्छा है, पापा वो कितना अच्छा है। यहाँ पर देखने में तो सब कुछ बहुत अच्छा और प्यारा प्यारा है, हाँ? और देखते हैं क्या पसंद आएगा अपने लिए और फिर आपको दिखाते चलेंगे। बालू अच्छी है दोस्तों, कपड़े भी बहुत अच्छे हैं और खुशबू को पसंद आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए मेरे पीछे खिलौनों की दुकान है, कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ देखिए एक से एक है, अब ये कौन है जो हमको डिस्टर्ब कर रहा है कॉल करके। ये देखिए दोस्तों कितने सुंदर सुंदर लहंगे हैं, ये देखिए वगैरह। और देखिए मेरे पीछे इयर रिंग्स वगैरह लगे हुए हैं ना, और यहाँ देखिए इस साइड बहुत सुंदर है। तो दोस्तों ये है हमारे यहाँ की बल्लमगढ़ की मार्केट, कितनी सुंदर लग रही है। रात का नज़ारा ही कुछ अलग होता है, इसलिए मुझे ना शाम को सैर पर निकलना यहाँ पर अच्छा लगता है कि घूमने का घूमना हो जाता है और हम घूम भी ले, हमारा पैदल चलना भी हो जाता है। जो हम घर में बंद रहते हैं कभी घूम फिर नहीं पाते हैं, और बहुत मज़ा आता है और कुछ सामान भी खरीद लेते हैं। ये होते हैं शाम की सैर के फ़ायदे। शॉपिंग कर रही हैं, शाम का समय बहुत अच्छा लगता है मंडी में शॉपिंग करने के लिए। आप चाहो तो यहाँ पर आकर आप अपने मनपसंद की एक एक चीज़ ले सकते हो दोस्तों। सच्ची में बल्लमगढ़ की मार्केट ना बहुत अच्छी है। देखिए दोस्तों यहाँ पर कोई फंक्शन है, मेरे पीछे देखिए कितनी सारी चेयर रखी हुई है, लोग यहाँ से आ रहे जा रहे हैं। देखिए यहाँ का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है। ये मेरे पीछे का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है, पता नहीं किस चीज़ का फंक्शन है। यहाँ पीछे देखिए ये इमारत जो बनी हुई है इसमें पता नहीं किस किस की मूर्ति लगी हुई है, एक बड़ा सा सिक्का भी, अब मुझे समझ नहीं पा रही हूँ। यहाँ पर तैयारियाँ चल रही थी लेकिन देखने में लाइटिंग वगैरह बहुत सुंदर लग रहा था। जब ये स्टार्टिंग हो रही थी तो हम तो घूमने के लिए गए थे शाम के सैर पर, तो हमने ये नज़ारा भी देख लिया बहुत। हेलो दोस्तों, तो कल था संडे, हम चले गए थे खुशबू हाय कर सबको। बेटा शोर नहीं मचाना है ना, मम्मा को परेशान नहीं करोगे ना, चुपचाप बैठोगे ना। देखिए दोस्तों कितनी स्मार्ट बेटी है मेरी, वो मेरा क्यूट सा बच्चा। लेकिन दोस्तों देखिए जरा उसको कैसे बैठी है, प्रिंसेस बन के क्यूट सी डॉल। तो कल हम ऐसे ही चले गए थे घूमने के लिए, एक तो हमारी लाइट नहीं थी, ऊपर से गर्मी हो रही थी, लेकिन बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रखा था, तो सोचा घर में सड़ने से अच्छा है कि जरा बाहर घूम के आएंगे फ्रेश फ्रेश हवा, क्योंकि पूरे दिन घर में। खुशबू बेटा चुप हो जाओ, पूरे दिन घर में तो कहीं जाती ही नहीं हूँ मैं, और ना चुप हो जाओ। ये लड़की इतना परेशान करती है, इसको छोड़ भी नहीं सकते, जब भी कुछ करने के लिए बैठो ये बीच में जरूर। तो दोस्तों घर में बोर होने से अच्छा था कि हम लोग बाहर चले जाएं। हम सोचा था चलते हैं बल्लमगढ़ बाबू प्लीज, तो सोचा था बाहर चलते हैं घूमने के लिए, बाहर घूमने के लिए चलते हैं। तो ये सोच करके हम लोग चले गए, और कुछ अच्छा दिखेगा तो अपने लिए ले लेंगे। लेकिन दोस्तों गए तो थे हम घूमने के लिए, और लेकर के गए थे इसके पापा हमको बल्लमगढ़, लेकिन इसके पापा आगे आगे ऐसे भाग रहे थे कहीं पूनम डिमांड ना करते कि ये भी ले लो वो। एक चीज़ मैंने नोटिस की है, जब भी हम बल्लमगढ़ जाते हैं ना, तो खुशबू के पापा जब भी दुकान आने वाली होती है ना किसी सामान की, तो वहाँ से ऐसे निकलते हैं फटाक से, उनको इतना डर लगता है। वैसे वो मुझे किसी चीज़ को लेने के लिए मना नहीं करते हैं, लेकिन बोलते हैं तू तेरा कोई भरोसा नहीं है, तू कब क्या बोल देगी।
कोई टाइम टेबल नहीं है तेरा, और तुझे ना दिलाओ तो फट से गुस्सा हो जाती है। हाँ दोस्तों ये बात तो है, अगर मैं किसी चीज़ के बारे में बोलूँ और खुशबू के पापा मुझे ना दिलाए तो मुझे इतना गुस्सा आता है, तब फिर मुझे खुशबू के पापा ऐसे दिखाई देते हैं, आप बहुत सेल्फिश हो, आप मुझे कुछ नहीं, मुझसे प्यार ही नहीं करते, आप मुझे कुछ ही नहीं दिलाते, फिर मुझे इतनी गुस्सा आती है। लेकिन दोस्तों मैं समझती हूँ हर समय कुछ लेने का टाइम नहीं होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम हर समय हमारे हाथ में पैसा हो। तो दोस्तों हमने कुछ अपने लिए तो नहीं लिया, लेकिन हाँ कल हमने खुशबू के लिए ज़रूर लिया। दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी बच्ची के लिए न्यू न्यू कपड़े लेना, उसको तरह तरह के कपड़े बनाते रहना। और मैंने सोचा थोड़ा अभी गर्मियाँ भी आने वाली हैं तो कुछ ऐसे कपड़े खरीदे जाएँ खुशबू अच्छे से बैठो, तो मैंने खुशबू के लिए लिया ये वाला ड्रेस। देखिए दोस्तों इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है, और आजकल ये कपड़ा बहुत चल रहा है, मैंने बहुत बच्चों के पास देखा है, तो मेरे मन में भी आया कि मैं भी अपनी खुशबू के लिए ये वाले कपड़े ले लेती हूँ। इसका ये वाला टॉप है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों कितना प्यारा लग रहा है ना। इसमें और भी कलर थे लेकिन मुझे ये अच्छा लग रहा। बीच में दोस्तों ये साड़ियाँ भी चली थी, लेकिन बोलते हैं ना वही दौर है, लेकिन वो नई नई स्टाइल में लौट लौट कर आ रहा है, तो ये वाला ड्रेस मुझे अच्छा लगा अपनी खुशबू के लिए। एक ये लिया मैंने, और एक था ये वाला। ऐसे मेरी बेटी के पास कोई कपड़े नहीं है, सोचा कुछ न्यू स्टाइल, गर्मियों में कहीं हम लोग जाएंगे घूमने वगैरह के लिए, तो ये अच्छा है, ये पहन भी लेगी ईजीली और ना ही इसको गर्म होगा। और इस टॉप के साथ ये है, ये वाली पैंट। ज़्यादा नहीं दोस्तों मैंने अपनी खुशबू के लिए धो ही लिया, धो धो करके भी लेते रहती हूँ तो बहुत हो जाता है। हाँ मैं हमेशा अपने पास कपड़े रखती हूँ कि पता नहीं कहाँ अचानक से जाना पड़ जाए, तो फिर हाथों हाथ अपने लिए खरीदो, इसके लिए, अपने लिए, खुशबू के पापा के लिए, तो बहुत ओवरलोड खर्चा हो जाता है, इसलिए हमने थोड़ा हम लेते रहते हैं कपड़े। कोई बात नहीं, खुशबू के पापा ने मुझे गिफ्ट दिलाया ही था, मेरे पास वो कपड़े हो ही गए हैं। खुशबू के पापा के लिए मैंने खरीदा था, वो उनके लिए हो गए, और ये हम दोनों ने खरीदे, ये खुशबू के लिए हो गए, इसलिए हिसाब बराबर हो गया। और अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आए और संडे का हमारा घूमना और हमारी बल्लमगढ़ की मार्केट पसंद आए, तो प्लीज़ दोस्तों एक प्यारी सी कमेंट करके बताना किस किस के यहाँ पर सुपर मार्केट है, वो अपनी सुपर मार्केट के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताओ, अपनी मार्केट का नाम भी बताया। हमारे यहाँ तो उसको बल्लमगढ़ की मार्केट बोला जाता है। और दोस्तों शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, एक प्यारी सी कमेंट ज़रूर करना। और दोस्तों प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमें पसंद कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए, और आज के ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। धन्यवाद।